अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ्फू खान उत्तर प्रदेश अलाहाबाद से। तो सामाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम पीरों के पीर पिराने पीर अल्लाह सुबहान तआला के सच्चे वली शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको लोग गौसे आज़म और गौसे पाक कहते हैं, उनकी जो खुद की किताब है गुनियतु तालिबीन, इंशाअल्लाह उससे साबित करेंगे कि जो अहले सुन्नत है उसका जो नाम है पहचान का वो है असाबुल हदीस, अहले हदीस, असाबे हदीस, अहले असर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इससे साबित करेंगे गुनियतु तालिबीन से। और जो ये गुनियतु तालिबीन है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये आ चुकी है, और इसके जो राइटर हैं तर्जुमा करने वाले वो हैं साबिक सदर शोबा ए फारसी दारुल उलूम मंजर इस्लाम बरेली शरीफ के एक आलमी दीन है बरेलवी, उनका नाम है शम सिद्दीकी बरेलवी। तो इन्होंने तर्जुमा किया है इसका हिंदी में, और इसको छापने वाले लोग भी हमारे बरेलवी मसलक के भाई हैं, ठीक है। और ये छापी गई है अदबी दुनिया, और इसका जो एड्रेस है पता है वो है मटिया महल दिल्ली 6, ठीक है। तो ये जो गुनियतु तालिबीन है इसको छापने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और तर्जुमा करने वाले सबके सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बरेलवी मसलक के आलम दीन हैं और हमारे बरेलवी मसलक के भाई हैं। आइए इससे साबित करते हैं जो फ़िरके होंगे दीन इस्लाम में वो कौन कौन से होंगे, और जो हक जमात है वो कौन सी जमात है, और उसका नाम क्या है, पहचान क्या है, उसकी सिफात क्या है। आइए तो ये देखिए, ये है गुनियतु तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, जो अरबी में थी लेकिन इसका जो तर्जुमा किया है वो हमारे बरेलवी मसलक के प्यारे आलम दीन ने किया है। आइए अब ये हम आते हैं, ये है गुनियतु तालिबीन, और इसके सफ़ा नंबर 220 पे जो चैप्टर है, बाब है, उसका नंबर है 9, और इसका जो नाम है वो है 73 फ़िरके, नाजी, खारजी, शिया, रावजी, मोतज़ला, कादरिया और दूसरे फ़िरके। अब आइए मैं आपको बताता हूँ जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लाह सुबहान व तआला के वली थे, सच्चे वली थे, और हम पीरों के पीर पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से हम अहले सुन्नत अहले हदीस बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, और शेख की बातें जो भी किताब सुन्नत से अल्हम्दुलिल्लाह साबित है सबको मानते हैं। आइए अब जो ये बाब है इसमें जो आया हुआ है वो मैं एकदम हूँ बहू आपको पढ़ के इंशाल्लाह बता देता हूँ और आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें आता है, यह तमाम 73 फ़िरके दर असल 10 गरोहों से निकले हैं। इसमें पहला है अहले सुन्नत, दूसरा है खारजी, तीसरा है शिया, चौथा है मोतजला, पांचवा है मरजिया, छठा है मोशबा, सातवा है जहमिया, आठवा है जरजारिया, नवा है नजारिया, और जो दसवा है उसका नाम है कुलाबिया। अब ये सब कौन कौन है वो इंशाअल्लाह गुनियतु तालिबीन में पूरी तफसील से आगे आएगा। इंशाअल्लाह मैं हर एक फ़िरके के ऊपर अलग से शॉर्ट में इंशाअल्लाह वीडियो आपके लिए बना के अपलोड कर दूंगा, आप लोग इंशाअल्लाह उसमें जान सकते हैं कि जो अहले सुन्नत है, खारजी है, शिया है और जो बाकी फ़िरके हैं, ये तमाम फ़िरके कौन हैं, इनकी तारीफ़ क्या है, इनके अकायद क्या है, ये इंशाअल्लाह मैं इसी गुनियतु तालिबीन से आपको इंशाअल्लाह आगे हर एक फ़िरके का अलग अलग वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा। अब इसमें आगे आता है, अहले सुन्नत का एक ही तबका है, ख्वारिज या खारिजिया के 15, मोतजला के 6, मर्जिया के 12, शिया के 32, मुशब्बा के 3 फ़िरके हैं, जरजारिया, कुलाबिया, बुखारिया और जहमिया का एक एक फ़िरका है। इस तरह कुल टोटल हो गए 72 फ़िरके। फ़िरका नाजिया सिर्फ अहले सुन्नत का है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि फ़िरका नाजिया जो है वो सिर्फ़ अहले सुन्नत का है। उसका मसलक और अकीदा पहले बयान किया जा चुका है। कादरिया और मोतजला फ़िरके के लोग इस फ़िरका नाजिया को मुजबरा कहते हैं, क्योंकि उसका अकीदा है कि तमाम मखलूक अल्लाह ताला की मशीयत, कुदरत, इरादा और तकलीक के ताबे हैं। मर्जिया उस फ़िरके का नाजिया को शकाकिया कहते हैं, क्योंकि इस गिरोह के लोग ईमान को
मसीहत इलाही की शर्त से मशरूत करने के कायल हैं और कहते हैं कि अगर कोई शख्स यूं कहे कि मैं इंशाअल्लाह मोमिन हूं, तो इस तरह कहना दुरुस्त है, जैसा कि इससे कबल बयान किया जा चुका है। रावजी इस नाजिया फ़िरका नाजबिया कहते हैं, क्योंकि उनका उसूल है कि अपने इमाम जमात की राय से मुकर्रर करते हैं। जहमिया व नजारिया दोनों इस फ़िरके को मुशब्बा कहते हैं, इस लिहाज से कि वह अल्लाह ताला की सिफात में इल्म, कुदरत और हयात वगैरह सिफात का अजबात करते हैं। बातनिया इसको हशविया कहते हैं, चूँकि यह गिरोह अहदीस का कायल और आसार से ताल्लुक़ रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि जो बातिल लोग हैं वो इसको आम तौर पे बोलते हैं हशविया। क्यों? क्योंकि जो ये गिरोह है, जो फ़िरकाए नाजिया है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस हैं उसके कायल हैं, और जो आसार हैं यानी कि सहाबा के आसार हैं उससे ताल्लुक़ को रखते हैं। हालांकि उनका कोई और नाम नहीं है बजूज इसके कि वह असहाबे हदीस और अहले सुन्नत है, जैसा कि हमने पहले बयान कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब गुनियतुत तालिबीन, जिसका तर्जुमा करने वाले हमारे प्यारे बरेलवी आलिम शम सिद्दीकी बरेलवी साहब हैं, उन्होंने गुनियतुत तालिबीन का तर्जुमा उन्होंने किया और उन्होंने साफ बता दिया कि इसके व असहाबे हदीस और अहले सुन्नत हैं, यानी कि असहाबे हदीस, अहलुल हदीस, असाबुल हदीस और अहले असर, ये तमाम नाम अहले सुन्नत के हैं, और अहले सुन्नत और अहले हदीस, असहाबे हदीस, अहलुल हदीस, असाबुल हदीस सब अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं, वही फ़िरकाए नाजिया है। अब अगर आप गुनियतुत तालिबीन अरबी वाला अगर आप पढ़ेंगे, और अरबी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गुनियतुत तालिबीन की जिल्द नंबर एक और सफ़ा नंबर 166 पे, जो अरबी में है, उसमें फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का जो नाम है वो है असाबुल हदीस, अहले असर। तो उसी का थोड़ा बहुत जो तर्जुमा है हमारे बरेलवी आलिम ने थोड़ा घुमा फिरा के किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तब भी ठीक ही किया कि असहाबे हदीस और अहले सुन्नत है। चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद अपने आप को अहले हदीस, असाबुल हदीस, असहाबे हदीस, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये खुद ही अपने आप को कहते हैं, और जो हमारा मनहज है वो भी हमारा है असाबुल हदीस का, यानी कि असहाबे हदीस का। असाबुल हदीस अरबी में कहते हैं, ठीक है, यानी कि आम जो उर्दू की बोलचाल की भाषा है उसमें कहते हैं असहाबे हदीस, यानी कि जिस पे हमारे सहाबा का मनहज था वही अहले सुन्नत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो 73 फ़िरके थे उनमें सबको बता दिया, लेकिन एक फ़िरका बताया कि अहले सुन्नत का एक ही तबका है और वो फ़िरकाए नाजिया है, और लास्ट में बता दिया कि वो जो फ़िरकाए नाजिया है वो कौन है, वो असहाबे हदीस है, अहले सुन्नत है, अहले हदीस है, अहले असर है, उसको अलग अलग नाम से अल्हम्दुलिल्लाह सलफ़ ने उसको हमें बयान किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गुनियतुत तालिबीन से साबित कर दिया जो फ़िरकाए नाजिया है वो है हमारा अहले सुन्नत का जो मनहज है उस पे जो चलने वाले असहाबुल हदीस हैं, जो इमामों की राय और कयास पे नहीं चलते, बल्कि उनका जो मनहज है, उनका जो मसलक है वो है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल, यानी कि अल्लाह सुबहान तआला का कलाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ही कहते हैं असहाबुल हदीस, अल्हम्दुलिल्लाह। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि तआला ने यह भी बता दिया कि जो बातनिया हैं, यानी कि जो बातिल फ़िरके वाले लोग हैं, वो असहाबुल हदीस को, अहले सुन्नत को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं बातनिया इसको हशविया कहते हैं। क्यों? चूँकि जो ये जो जमात है, गिरोह है, उसका जो ग्रुप है वो अहदीस का कायल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हदीस का कायल कौन है ये सारी दुनिया जानती है, कि जो अहले सुन्नत अहले हदीस हैं उनका जो उसूल है वो है कुरान और हदीस, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अहदीस के कायल हैं और आसार
के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। सहाबा के आसार और अल्लाह सुबहान तआला का कलाम और अल्लाह के नबी का फरमान, ये हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जत है, दलील है, यही हमारा आसमानी दीन है। हम इसी को आसमानी दीन मानते हैं और इसी पे खुद भी अमल करते हैं और लोगों को भी चलने की दावत देते हैं। अब बातिलों को जो कहना है भाई वो कहते रहें। गुनहतुल तालबीन से साबित हो गया है कि अहले सुन्नत का जो नाम है वो है असाब हदीस, असाबुल हदीस, अहले हदीस, अहले सुन्नत। आप इसको जिस भी नाम से अल्हम्दुलिल्लाह पुकारें, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी जमात है मुसलमानों में जिसके लिए जो दलाइल है वो है अल्लाह के नबी का फरमान और अल्लाह सुबहान व तआला का कलाम यानी कि कुरान और हदीस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।